एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है मैथ ऑनर्स मतलब कि सभी सब्जेक्ट का है 22 से 25 सेशन का पार्ट टू का एग्जामिनेशन चल रहा है, तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ, हर साल करवाती हूँ, लेकिन इस साल मैं नहीं करवा पाई मजबूरी के कारण, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम बचता ही नहीं है, सुबह से लेकर पूरा दिन बिजी। अभी भी मैं अपना क्लास ही आई हुई हूँ, लेकिन मैं क्लास में ही अपने पीछे बेंच पे बैठ के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोग पेपर को एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और पेज भरा होना चाहिए, ये दो मस्ट है। ठीक है, पूरा पेज नहीं भरना है, लगभग 24-25 पेज तक आप लोग टच करने की कोशिश कीजिएगा, पेज भरिएगा जरूर। ठीक है, लेकिन अच्छे राइटिंग में सुंदर सुंदर लिखिएगा, राइटिंग अच्छा चाहिए। चलिए, ये सब तो बात ठीक है, आप लोग समझ जाते हैं, पार्ट वन में भी दिए हुए उसी हिसाब से पार्ट टू का दे देंगे। तो पेपर थ्री का तो आप लोग का एग्जामिनेशन हो गया, और पेपर फोर में आप लोगों को किस तरीके से काम करना है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पेपर फोर में चार ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए में आपको वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रुप बी में आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे जाएंगे, और ग्रुप सी में स्टैटिक से पूछा जाएगा, और ग्रुप डी में डायनेमिक से पूछा जाएगा। तो ग्रुप ए में जो आप लोगों का वेक्टर कैलकुलस से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है वेक्टर कैलकुलस के लिए, वेक्टर कैलकुलस को बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा तो फिर आप लोगों को 6 क्वेश्चन भी पुराना है, कहीं सहारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्टैटिक्स डायनेमिक्स आप सबके बस की बात होती नहीं है। जब हम लोग भी एग्जामिनेशन दिए थे तो मैं बस 2 क्वेश्चन करके गई थी, और वही 2 क्वेश्चन आ गया था, स्टैटिक्स बना दिए थे। ठीक है, और आप लोग को भी मैं वही 2 क्वेश्चन बता दूँगी, वही आएगा, आप लोगों को 2 नहीं 4 बताऊंगी, रिस्क नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, इसलिए तो मैं बता दूंगी, स्टैटिक्स का टेंशन नहीं लीजिए, अभी ही बताएंगे, क्योंकि आज कर लीजिएगा प्रिपेयर तभी तो कल एग्जामिनेशन देने जाइएगा। तो ग्रुप ए में आप लोगों को वेक्टर कैलकुलस पूरा करना है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा वेक्टर कैलकुलस बाय सुप्रिया एजुकेशन हब। क्या सर्च करना है आपको यूट्यूब पे, वेक्टर कैलकुलस बाय सुप्रिया एजुकेशन हब सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर कैलकुलस तीनों बनाने की कोशिश कीजिएगा, 2 ही बन जाएगा तो कोई बात नहीं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, 5 में फिर आप लोगों को उसके लिए मेहनत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ईजी है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोग पार्ट वन में जो पढ़े थे ना वही है, तो पार्ट वन वाला ही कंसेप्ट यूज कीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है, बाय सुप्रिया एजुकेशन हब, या मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर सुप्रिया ऐसे लिखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 बाय सुप्रिया एजुकेशन हब, वीडियो आ जाएगा, एक वन शॉट वीडियो आएगा। ठीक है, वन शॉट में लगा दीजिएगा, फिर आप लोग उस वीडियो को सिर्फ देख लीजिएगा, सिर्फ एक वीडियो को देखना है, उसमें सारा कंसेप्ट समझा दिया गया, उसके उस कंसेप्ट को देख लेने के बाद आधा घंटा एक घंटा का वीडियो होगा, उस कंसेप्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन बैंक उठा कर 2-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे भी मैं क्वेश्चन बैंक का भी सोल्यूशन है, उसको भी आप लोग 2x के स्पीड में देख के आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 और 6 बनाइएगा जरूर, और वेक्टर कैलकुलस का 2 क्वेश्चन कोई भी बना लीजिएगा, 2-2-4 हो गया, बचा 2 क्वेश्चन। तो स्टैटिक से आप लोग को 1 बनाना है, डायनेमिक से 1 बनाना है, ज़्यादा बनाने के चक्कर में जाइएगा ना तो फिर आप लोगों का लोचा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का है, फाइंड द फोर्सेज विच मे बी ओमिटेड इन फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ये और ये टी वाई एल प्लस टी डैश वाई एल डैश इक्वल टू 0, ये दोनों को आप लोग किसी भी हाल में कर ही लेना है, मतलब ये फिक्स ही आएगा, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, फिक्स ही आएगा, इसको कर लीजिएगा, इसको छोड़ने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं लगभग 2015 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन देखी हूँ, तो आप लोग सोच सकते हैं लगभग 8 साल का क्वेश्चन देखने के बाद मैं बोल रही हूँ कि आप लोग पहला का ए और पहला का बी कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग पिछले 8-9 साल से यही परंपरा चला आ रहा है। 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक साल पूछेगा, और अगले साल वो दूसरा जो 2 क्वेश्चन बचाता है वो, फिर अगले साल वो जो पहले 2 क्वेश्चन था वो, फिर यही परंपरा चलते आ रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये सी नंबर क्वेश्चन को नहीं करना है, छोड़ देना है, डी को भी छोड़ देना है, और ये 2 कर लेना है। ठीक है, एक डब्ल्यू बाई रूट 3 वाला और एक कन्वर्स ऑफ प्रिंसिपल वर्क। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप लोग स्टैटिक्स से कर लीजिएगा, आप लोगों का नया पार लग जाएगा स्टैटिक्स के लिए, तो हो गया। फिर मैं आप लोगों के लिए फिर कहीं से टाइम का जुगाड़ करती हूँ, और फिर आपके लिए डायनेमिक्स का भी, क्योंकि देखिए ये आपको लगता है कि हाँ 2 क्वेश्चन ही तो बताना था, इसमें क्या है, इसमें इसके लिए क्या टाइम चाहिए, आप लोग तो पूरा 2015 से लेकर सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करना होता है, फिर देखना होता है किस पैटर्न पर जा रहा है, कैसे जा रहा है, फिर उसके बाद बताना होता है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन बता दिया और सारा का सारा क्वेश्चन नहीं आया, एक भी नहीं आया, तो फिर आपको कितना गुस्सा आएगा मेरे पे। ठीक है,
या फिर मेरे साथ ही अगर ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन बता देगा और मैं पूरा पढ़ के जाऊँगी और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसा मन करेगा वो मैं खुद फील कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग से भी मतलब कि इसलिए मैं पूरे अच्छे से एनालिसिस करके बनाती हूँ, नहीं तो छोड़ ही देती हूँ। तो ये चार क्वेश्चन आप लोग स्टैटिक्स में पक्का कर लीजिएगा, इस चार में से ही दो क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग मेरे पर इतना विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा सिलेबस आप लोगों से कम्प्लीट नहीं होगा, आप लोगों का एग्जाम कर लिए। अब बचा डायनेमिक्स का, तो डायनेमिक्स का भी मैं आज ही शाम तक वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर आप लोग रात में कर लीजिएगा, कल एग्जाम देने चले जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी समस्या है तो कमेंट कर दीजिए, अगर मेरे पास हो सके तो रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना, ठीक है, बाय।